सहारा इंडिया को आरडी के मैं ब्याज सहित भुगतान के आदेश। जी हाँ दोस्तों, बड़ी न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स में आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज नैनीताल से आई है दोस्तों। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष यूएस बलियान तथा वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र परगई की फोरम में गुरुवार को सहारा इंडिया के संबंधित मामले में सुनवाई हुई। इसमें शाखा प्रबंधक सहारा इंडिया लिमिटेड हल्द्वानी को आदेश दिए हैं कि वह सुभाष नगर हल्द्वानी निवासी वादी मोहन चंद्र तिवारी पुत्र खयाली राम और एक माह के अंदर उनकी 30,000 रुपये की एफडी का ब्याज सहित भुगतान करे। वाद दायर करने की तिथि से 9% ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा परिवाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये भी भुगतान करना होगा। सुभाष नगर हल्द्वानी निवासी मोहन चंद्र तिवारी ने मामले में फोरम के वाद दर्ज किया। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर 2012 में उन्होंने 500 रुपये प्रति माह के दर से सहारा इंडिया हल्द्वानी आरडी खुलवाई थी। यहाँ दोस्तों, हल्द्वानी की शाखा पर यह आरडी खोली गई थी। सहारा की ओर से निर्धारित नियमों के क्रम में यह 5 वर्ष के लिए थी। 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर धनराशि की मांग की तो उसने उनके साथ टाल मटोल की गई। फोरम ने उनका पक्ष रखते हुए सहारा कंपनी के अधिवक्ता से कहा कि उक्त हल्द्वानी शाखा का आरडी से सीधा संबंध नहीं है। इस धनराशि का सीधे सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज कपूरथला अलीगंज लखनऊ में जमा की गई, जबकि फोरम ने उसे पक्षकार में शामिल नहीं किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने संबंधित आदेश दिए। यहाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको एस टी न्यूज चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। पल पल की खबर आपको सहारा इंडिया की हम देते हैं दोस्तों, चाहे वह हिंदुस्तान टाइम्स में आए या दैनिक भास्कर में आए या नव भारत टाइम्स में आए। जिस भी टाइम्स में आपकी कोई न्यूज आती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का जिम्मा लेते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।